Hello students, welcome back. Today we are going to continue our lecture on environment and natural resources. In our previous lecture we had discussed regarding some environmental problems as well as global environmental issues, right, which are discussed at international level. Under that we had discussed regarding the Earth Summit, which was held in Rio de Janeiro in Brazil, right? And we had discussed regarding Agenda 21. Today we are going to discuss regarding the protection of global commons. कि जो global commons हैं वो resources जो पूरे world के लिए common हैं उनकी protection कैसे की जाए, right? इसमें सबसे पहले we must know about the difference between common resources and global common resources. कॉमन रिसोर्सेज कौन से होंगे? विच आर नॉट ऑन्ड बाय एनीवन, जिसका कोई एक मालिक नहीं है, किसी एक के द्वारा वो ऑन नहीं किए जाते, बट रादर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के द्वारा मिलकर उनको शेयर किया जाता है. वेयर एज ग्लोबल कॉमन क्या है? ग्लोबल कॉमन एरियाज और रीजन्स विच रिक्वायर्ड कॉमन गवर्नमेंट बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोलॉजिकल इशूज. ग्लोबल कॉमन कौन से होंगे? एक ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक कम्युनिटी, एक कंट्री, एक स्टेट के नहीं है, बल्कि वो पूरे ग्लोब के हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो सभी कंट्रीज के, पूरे वर्ल्ड का उन पर राइट है, राइट? तो उनको हम कौन से रिसोर्सेज बोलेंगे? दे आर नोन एज ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज. सपोज आप ये बात कह सकते हैं, सपोज मान लीजिए इफ वी डिस्कस्ड अबाउट एनी मॉल या कोई भी एक पार्क है जो आपकी एक पर्टिकुलर कंट्री में है, पर्टिकुलर एरिया में है, तो वो किसका रिसोर्स है? कॉमन रिसोर्स उस एरिया में रहने वाले लोगों का. बट अगर हम बात करते हैं सी की, समुद्र की, तो सी क्या है? सी किसी एक कंट्री का नहीं है, सी किसका है? ग्लोब का है, पूरे वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड का उस पर राइट है. इज इट क्लियर? तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया? ग्लोबल कॉमन रिसोर्स. इज इट क्लियर? तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज है जिन पर पूरे वर्ल्ड का जो है राइट है, जो ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज में आते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए, उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एक कॉमन गवर्नमेंट की. वो गवर्नमेंट कौन सी होगी? जो इंटरनेशनल लेवल पर इन जो ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज है इनकी टेक केयर करेगी, इनके बारे में रूल्स रेगुलेशन तैयार करेगी, लॉ बनाएगी, राइट? और वो लॉ किसको फॉलो करने? ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू फॉलो दैट लॉस, राइट? एंड देन अब ये जो इकोलॉजिकल इश्यूज की हमने बात की, तो इकोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं? दैट इज लाइक डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका इन 1980s में एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल दिखाई दिया, राइट? अब वो जब होल दिखाई दिया तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजर इशू बन गया, ग्लोबल इशू बन गया, क्योंकि ओजोन लेयर में होल का मतलब क्या है? सन रेज का डायरेक्ट अर्थ पर आना, राइट? तो तब से ये फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया, लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हो गई, डिबेट स्टार्ट हो गए कि किस तरीके से इस होल को और बढ़ने से रोका जा सकता है, राइट? इस ओजोन लेयर के में जो होल हुआ है उसके कारण क्या हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? वी ऑल नो वेरी वेल कि ओजोन लेयर क्या करती है. ओजोन लेयर सनलाइट को डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है, क्लियर? जिससे बहुत सारी जो स्किन डिजीजेज एंड ऑल दैट, जो कि अगर डायरेक्ट सन रेज होंगी तो उससे कई तरह की जो डिजीज हैं वो पैदा हो सकती हैं, लेकिन ओजोन लेयर उस डायरेक्ट हीट को अर्थ पर आने से रोकती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है. इज इट क्लियर? अब उसमें होल हो जाना अपने आप में ही एक चिंता का विषय है, क्लियर? तो सभी जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन सब ने अब इसके बारे में जो था विचार करना शुरू किया, डिबेट स्टार्ट हुए, सेमिनार्स चल लगे, समिट्स हेल्ड किए गए, किसके लिए? कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इज इट क्लियर? अब इसके लिए बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स भी किए गए, ट्रीटीज़ की गई. 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी की गई, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया. अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? अर्थ एटमॉस्फेयर से, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस, राइट? जो हमारे स्पेस में, जो हमारे अर्थ के ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर ग्रेविटेशन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आउटर स्पेस में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर में होल हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
क्लियर। तो उसके बारे में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, इसके अलावा 1991 में एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल किया गया। इस प्रोटोकॉल में आई ट्रीटीज में किसके बारे में डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से एंटार्कटिक को हम पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, कैसे हमारा आउटर स्पेस एटमोसफियर जो है उसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एज वेल एज ओशन फ्लोज एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे जो समुद्र के नीचे का तल है, नीचे की जो सतह, उसमें जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये जो प्रोटोकॉल्स और ये जो ट्रीटी की गई इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लगाई गई जो हर कंट्री को फॉलो करनी थी, राइट। ये जो ट्रीटी थी या ये प्रोटोकॉल जो थे किसी एक कंट्री के लिए नहीं था बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए था, सभी कंट्रीज को इसको फॉलो, इनमें बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना था, क्लियर। अब दे आर एक्सप्लॉयटेड, अब ये जितने भी, चाहे हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है, चाहे ओशन फ्लोर है, चाहे अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर में होल हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ये सभी चीज़ें एक्सप्लॉयटेड हुई हैं, पॉल्यूट हुई हैं, किसकी वजह से, नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज। नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, वी ऑल नो वेरी वेल कि अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, राइट, तो ये हमारा क्या होगा नॉर्थ और ये क्या है साउथ। नॉर्थ में क्या है, सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और साउथ में कौन सी कंट्रीज हैं, सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसका मतलब दोनों के बीच में लॉट ऑफ इकोनॉमिकल डिफरेंसेस देयर, क्लियर। तो ये जो इनइक्वालिटी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, नॉर्थ और साउथ की जो इनइक्वालिटीज हैं एंड देयर एक्टिविटीज एंड कंपटीशन लैक प्रॉपर मैनेजमेंट एरिया आउट स्पेस, इनमें जो भी ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं जितने भी, उसमें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, लॉट ऑफ डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्लियर। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, इज इट क्लियर। देन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच वी डिस्कस हियर, ओशन फ्लोर पॉल्यूशन वाई इट वॉज, दैट इज अगेन द सेम पॉइंट। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव ऑल्सो अफेक्टेड द अर्थ एटमोसफियर एंड ओशन फ्लोर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट जब हो रही है, इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज से क्या है, स्मोक निकलता है, स्मोक से क्या पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूशन, राइट। अब एयर पॉल्यूशन होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ओजोन लेयर पर, क्लियर। इसी तरीके से इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सीधा कहाँ जाता है, रिवर्स में, राइट। अब रिवर्स में जाएगा तो क्या पॉल्यूट होगा, वाटर पॉल्यूशन, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी अर्थ का एटमोसफियर और ओशन फ्लोर जो है वो अफेक्टेड हुआ है, इज इट क्लियर। तो ये हमारे क्या थे कि इन जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक तो अगर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, अपनी वेस्ट को रिवर में डालने से पहले प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट की जा सकता है ताकि कम से कम वेस्ट मटेरियल जो है वाटर में जाए और वाटर पॉल्यूशन कम हो। इसी तरीके से स्मोक के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर आगे फिल्टर लगाया जा सकता है जिससे कि जो स्मोक है वो फिल्टर होकर एयर में जाए, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, जितनी भी ये गैसेस हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है वो कम से कम जाएंगी, इज इट क्लियर। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो नेचुरली है एटमोसफियर भी, हमारे जो एयर है वो कम पॉल्यूटेड होगी, वो कम पॉल्यूटेड होगी तो अफेक्ट ओजोन लेयर पर भी कम पड़ेगा, इज इट क्लियर। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ये जितने भी इश्यूज थे इन सबसे ग्लोब को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए, क्या किया गया, ये तीन ट्रीटीज की गई, ये प्रोटोकॉल लगाए गए। सबसे पहला 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 में एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, राइट। ये आपका इट कैन कम इन 1-1 marks और इट कैन कलेक्टिवली कम इन 3 marks की विच ट्रीटीज वर साइंड, राइट, और व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट ग्लोबल कॉमन, इज इट क्लियर। तो ये अपने आप में आपका 1-1 mark में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्ट दैट डिफरेंस बिटवीन कॉमन रिसोर्सेज एंड ग्लोबल कॉमन, एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम देयर, एज वेल एज कंप्लीटली इट विल कम एज 4 marks और 6 marks question।
इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी ग्लोबल जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो कॉमन है पूरे वर्ल्ड के लिए वो कॉमन है, दैट इज व्हाई दे आर नॉन दीज प्रॉब्लम्स आर नॉन एज ग्लोबल. लेकिन उनको समाप्त करने के लिए, उनका सॉल्यूशन करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डिवेलप्ड कंट्री की और डिवेलपिंग कंट्रीज की, दोनों की किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अब जो द अप्रोच टू इन्वायरमेंटल इज डिफरेंट, नॉर्थ और साउथ, डिवेलप और डिवेलपिंग कंट्री, दोनों की अप्रोच जो है वो अलग अलग है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. डेवलप्ड कंट्रीज क्या कहती हैं, द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड नाउ, आज एट प्रेजेंट जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. वो कहते हैं कि जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनको जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, जो एनवायरमेंट को बचाने की बात जहाँ हो रही है, तो उसमें सबका बराबर का योगदान होना चाहिए, सबको बराबर इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है विच आर इन साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज का क्या कहना है, ऑफ द साउथ फील दैट मच ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा कहाँ है, इन डेवलप्ड कंट्रीज, बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. सो दे टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकंस्ट्रक्ट ऑफ डैमेज नाउ, इसलिए वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रीज ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में है. डेवलप्ड कंट्री इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा उनके पास है, ज़्यादा डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इन्वायरमेंट को बचाने का, इन्वायरमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा काम है, वो किसको करना चाहिए, डिवेलप्ड कंट्री को, राइट. डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है, साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका ये कहना है कि जो साउथ में है जो डेवलपिंग कंट्री वो तो अभी डेवलप हो रही हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, राइट. और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उनमें वो लोग कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, तो जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी जहाँ पर भी, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी जहाँ भी, वहाँ पर उतने ही वो लोग पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करेंगे, राइट. तो इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, नॉर्थ कंट्रीज की, यानी डिवेलप्ड कंट्री की. लॉस ऑफ इन्वायरमेंट इज द लॉस ऑफ ऑल कंट्रीज. अब क्योंकि इन्वायरमेंट का लॉस, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होना है वो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से हो चाहे डेवलप्ड कंट्री, लेकिन उसका लॉस, उसका अफेक्ट जो है सभी पर इक्वल होगा, इसीलिए इसको ये कहा गया है, सो इट इज नॉन एज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की उसका लॉस, उसका अफेक्ट कॉमन है, लेकिन उसको बढ़ाने का या उसको उसके पीछे रीजन जो है वो अलग अलग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है. इट वॉज एक्सेप्टेड इन द राओ डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992. हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी राओ द जनारियो फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड, राइट. तो उसी समिट की अब यहाँ पर बात हो रही है, उसी सम्मेलन की बात हो रही है कि राओ डिक्लेरेशन में जो समिट हेल्ड किया गया था राओ द जनारियो में, उसमें क्या ये बात एक्सेप्ट की गई थी कि डिवेलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट. सॉरी, इन 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनिफेस, इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट्स द फुल फॉर्म, इट आल्सो एम्फेसाइज दैट एनवायरनमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. इन्होंने ये कहा था जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनिफेस जो था, इसका ये कहना था कि एनवायरनमेंट के लिए किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री की वजह से पॉल्यूट हुआ है या डेवलपिंग कंट्री की वजह से पॉल्यूट हुआ है, डेवलप्ड कंट्री का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, डिवेलपिंग का कम है, कुछ भी हो, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दोनों को, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठे आना होगा इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी रिस्पॉन्सिबल वे में, एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में, नेशन के रूप में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी.
In 1997, in Kyoto Protocol set target for industrialized country. 1997 में Kyoto Protocol आया. Kyoto Protocol क्या था? Kyoto Protocol was agreed to in 1997 in Kyoto in Japan. ये जो था 1997 में क्योटो नाम की जगह पर सबमिट हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, और वहाँ पर अब ये क्योटो इज अ नेम ऑफ प्लेस. कहाँ पर है ये? इन जापान, जहाँ पर ये बात मानी गई थी कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है. नो डाउट कि डेवलपिंग कंट्री आल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेनली जो पॉल्यूशन का मेन रीज़न है, जो ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, चाहे ओशंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसको माना गया? डिवेलप कंट्रीज को, राइट. अब द डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल. डेवलपिंग कंट्रीज को इससे अलग कर दिया गया, उनको इसे एग्जम्प्ट कर दिया, यानी उनको जैसे एग्जम्प्टेड कर देना, यानी वो इसमें बाध्य नहीं थे क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करने में, राइट. अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स सेट आउट इन यूनिफेस, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूनिफेस में डिसाइड किए गए हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, उनको क्योटो प्रोटोकॉल किस कंट्रीज के लिए था? इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, यानी कि डेवलप्ड कंट्री को उस क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, उन्हें एनवायरनमेंट को बचाने में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में निभानी होगी. नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, राइट. वो रिसोर्सेस जिनका यूटिलाइजेशन कॉमनली पूरा वर्ल्ड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द सी. सी क्या है? दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन. तो उन रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसको उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा, या उसको किस तरीके से जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, यानी कि होल वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी है, राइट. रेफर्स टू अ ग्रुप हु हैव बोथ राइट एंड ड्यूटीज. एक ऐसा ग्रुप, यानी ग्रुप में यहाँ क्या आ रहा है? ग्लोब, पूरा वर्ल्ड, जिसकी जिन जो उस नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने का उनका राइट है, एज वेल एज दे हैव सम ड्यूटीज रिगार्डिंग दैट, कि उसके प्रति उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं. केवल उसको यूज़ करने का उनका राइट नहीं है, उसके साथ दे हैव सम ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू नेचर. वो ड्यूटीज किसके लिए हैं? कि वो जो नेचर के रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन करने का अगर उनको राइट है, तो उसको सेव करना उनकी ड्यूटी है. क्लियर. लेवल ऑफ यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स, यानी किस लेवल तक कितना वो उसका यूज कर सकते हैं, और कैसे उनको उस जो नेचर ने हमें रिसोर्स दिया है, उस रिसोर्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको बचा कर रखना है. विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस. म्यूचुअल का मतलब क्या है? क्योंकि अब वो जैसे सी हमने एग्जाम्पल लिया, वो कॉमन है, तो उसमें सभी कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ कर रहा है, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको हमें बचाए रखना है. उसको उस कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसको बचा कर रखना है, उसको मेनटेन करके रखना है. फॉर एग्जाम्पल, We can take the example of C. अब C में क्या है? ये आपको फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि what's a common property resource, और उसको कैसे ग्लोब के हर कंट्री के हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यूज़ भी करना, अगर उसको राइट है, तो उसकी ड्यूटी है उसको मेंटेन करना, राइट. सॉरी, म्यूचुअल. अब इसमें क्या है? सपोज हम अगर C का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो C में अगर हम सी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अब सी क्या है? जहां भी ये हमारा, सपोज दिस इज एन ओशन. अब ओशन है तो ये क्या है? बेसलाइन. जो भी स्टेट, जो भी कंट्री यहां पर है, ए बी सी डी, कोई भी कंट्री जो यहां है, तो उसका जो कोस्टल एरिया है, जो सी के साथ है, ये क्या है? दिस इज द बेसलाइन, यानी कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया से लेकर, सपोज दिस इज कंट्री ए, तो कंट्री ए का बेस लाइन से लेकर 12
NM, NM means nautical miles. अब nautical miles क्या होता है? जैसे हम roads की length को मापते हैं kilometers में, meters में, right? कोई liquid है उसको liters में, measurement का एक तरीका है. ऐसे ही ocean में जब दूरी को मापा जाता है तो उसको किस में मापते हैं, उसकी unit क्या है? That is nautical miles. राइट तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो एरिया ए कंट्री का है. राइट इस एरिया में किसी भी और कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, वो यहाँ आकर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते. यहाँ केवल कौन कर सकते हैं? कंट्री ए, जिसके कोस्टल एरिया के पास ये पड़ता है. राइट उसके बाद बेस लाइन से 24 तक, यानी 12 तो ये हो गया टेरिटोरियल सी उस एरिया का है, 12 हो गया कंटिजियस जोन, यानी यहाँ पर अगर किसी और कंट्री के, बी कंट्री, सी कंट्री, किसी और कंट्री की कोई आना जाना होता है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी. बिना इसके परमिशन के वो इस एरिया में नहीं आ सकते. इज इट क्लियर? इसी तरीके से फिर आगे ये जोन है, यहाँ पर भी जो है उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? ए के अंडर आएगा ये एरिया. राइट तो इस तरीके से ये आगे आगे ये डिवाइडेड है लेवल. लेकिन अब यहाँ तक का जो एरिया है इसकी मेंटेनेंस, अब ये वाला कंप्लीट एरिया की मेंटेनेंस, इसके पॉल्यूशन को कम करना, इसको सही तरीके से रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट इज ऑफ कंट्री ए. राइट यानी अगर इसका यूज करने का इसका राइट है तो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? ए की. इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. Right? So all this is whatever we have discussed regarding the common and differential responsibility, global responsibility as well as common property resources. In our next lecture we will discuss regarding India's stand towards the environment.